नमस्ते सस्रीयकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो बड़ी जबरदस्त है, श्याम शर्मा शो की वीडियो है। कैन INDIA डिफीट मोदी इन 2024 इलेक्शन? क्या ये ऑपोजिशन पार्टी सब मिला के इंडिया को मोदी जी को हरा पाएंगी, बीजेपी को? आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, ये ऑपोजिशन के महागठबंधन का नया नाम है। 2024 जनरल इलेक्शंस में अब एक साल से भी कम रह गया है और देश के कई ऑपोजिशन पार्टीज ने साथ मिलकर 2024 के इलेक्शंस की जंग छेड़ दी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर द पर्पस टू सेव द डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो बात ये हुई। राम राम ब्रो, मुझे यहाँ देखकर वैसे मत चौंकिए जैसे 2011 में विदेशी नौकरी त्याग कर रामलीला मैदान में टोपी पहनकर भीड़ में प्लास्टिक के तिरंगे बेचकर केजरीवाल को भारतीय राजनीति को साफ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाला मसीहा मानने वाला पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल को लालू, शरद पवार, राहुल गांधी आदि से मिलता हुआ देखकर चौंक रहा है। इतनी सारी पार्टियां हैं, इतना सारा मटेरियल है, तो अपोजिशन की तरह हम भी मिल बांट कर खाते हैं, आनंद हो जाएगा। यार बात तो सही है। तो आइए आज मैं और अजीत साथ में मिलकर पता करते हैं कि इंडिया वर्सेस भारत में क्या इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा। हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सकल प्रणाम। मार्केट में एक नया महागठबंधन आया है जिसका एक्रोनिम है इंडिया। सबसे पहले तो यार ये नाम ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है कि जिन लोगों ने ये नाम बनाया है वो खुद इसको बोलने में स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस दैट इज INDIL। ये तो बढ़िया हुआ कि हिंदुस्तान या भारतवर्ष नहीं रखा था एक्रोनिम, वरना खड़गे जी को तो स्ट्रोक ही आ जाता। तो सबसे पहले अजीत यार हमें ये बताओ कि इस इंडिया कोलिशन में मेंबर कौन कौन है? अब मेंबर्स की क्या बात, वक्त हालात जज्बात बदलने के बाद केजरीवाल समेत ठगों का पूरा गिरोह अब वैसे ही मीटिंग कर रहा है जैसे डार्क नाइट में बैटमैन को पकड़ने के लिए चुटपुंजिया चोरों की टोली किया करती थी। इसमें जलते रक्त रंजित बंगाल से ममता है, लूटे पीटे बिहार से नीतीश, तेजस्वी और लालू है, दंगों और आंदोलनों के बीच ठगी गई दिल्ली के केजरीवाल हैं, चरस और खालिस्तान के केंद्र पंजाब के भगवंत मान हैं, जिहाद ग्रस्त केरल के विजयन हैं, अपनी पार्टी और हिंदुत्व के सिद्धांत को सोनिया के चरणों में डालकर गंवा चुके उद्धव ठाकरे भी, भारत में घोटालों को पारिवारिक परंपरा का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस के राहुल और सोनिया है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। इन सब ने एक साथ बैठकर एक नारा दे दिया, यूनाइटेड वी स्टैंड, और गठबंधन का नाम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी PDA से बदलकर इंडियन नेशनल स्कोडा लहसुन अलायंस कर दिया, जिसका संक्षिप्त रूप होता है INDIA इंडिया। इसकी यूनिटी इतनी भयावह थी कि इस पत्रकार की रिपोर्टिंग के समय यूनाइटेड वी स्टैंड का शीघ्र पतन हो गया। लेकिन यार अजीत भगवान कसम, इन लोगों का अलायंस, इन लोगों की दोस्ती मेरे को समझ में नहीं आती है। ये भाई लोग 5 साल तक रोज एक दूसरे को गालियां ही देते रहते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। अरे राहुल गांधी तुरते वाले हो तर नाही, माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक तांडा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। द व्हायलन्स दैट टेक्स प्लेस इन बंगाल, यू नो द स्कॅम्स, द शारदा स्कॅम्स दैट हैव टेकन प्लेस। काँग्रेस खतम हो गई है,
उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। ममता सेड दैट राहुल गांधी इज बीजेपी'स बिगेस्ट एसेट। और फिर 5 साल खत्म होते होते डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एकजुट भी हो जाते हैं। ये वैसे एवेंजर्स हैं कि अगर एवेंजर्स एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते जितने की थैनोस से करते हैं। शायद हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि हर 5 साल ये महागठबंधन जानी दुश्मन से हम साथ साथ है में कैसे तब्दील हो जाता है। देखिये, जवाब काफी सिंपल है और वो है बीजेपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी की वोट शेयर अराउंड 37.36% थी, जबकि रूलिंग इंडिया अलायंस का 45% वोट शेयर था। ये बात भी याद रखिए कि ऑलमोस्ट 10 साल तक पावर में रहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेशनल लीडर है। सिर्फ एक ग्लोबल लीडर है जिनकी इनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है और वो है शी जिनपिंग, जिनकी 107% अप्रूवल रेटिंग है। 107 कैसे है मत पूछिए, शीचियांग के मुसलमानों की तरह गायब होना है क्या? उसके ऊपर से चाहे महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो, कोविड-19 हो या चाइना का अग्रेशन हो, इन सब के बावजूद जनवरी 2023 में एनडीए की परफॉर्मेंस में लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़ा ही है। उसके ऊपर से 72% लोग ये मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है अब तक। This shows, as we started off, mood of the nation, that there is pro-incumbency. कुछ सर्वेस के हिसाब से अगर आज लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, Who would win if a Loksabha election were held today? The NDA would still be comfortably placed, 298 seats for the NDA. लेकिन पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के कुछ अलायंस पार्टनर्स ने उनको छोड़ा है। उसके ऊपर से 2019 के इलेक्शन के बाद कुछ स्टेट इलेक्शंस भी बीजेपी हारी है, तो अगर आप अज्यूम करें कि जिन स्टेट्स में इलेक्शंस बीजेपी हारी है उन स्टेट्स में नेशनल इलेक्शंस में भी अंडर परफॉर्म करेगी तो उनका वोट शेयर गिर सकता है। तो महागठबंधन जो है INDIA, उनकी होप ये है कि अगर वो साथ में काम कर सकें, अगर वो बीजेपी के वोट को काट सकें और अगर बीजेपी ने जिस स्टेट्स में इलेक्शन हारे हैं उनमें नेशनल इलेक्शंस में भी अंडर परफॉर्म करे, तब उनके पास चांस है बीजेपी को हराने का। लेकिन फिर यहां पर कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीत, ये अलायंस में इतनी सारी पार्टी साथ में मिली हुई हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक हिंट दे दिया है कि शायद वो अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए खड़ा ही नहीं करेंगे। तो एनडीए का तो क्लियर लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑपोजिशन का लीडर कौन बनेगा? क्या राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनेंगी, केजरीवाल बनेंगे या नीतीश जी बनेंगे? पटना में तो नीतीश जी बहुत चौड़े हो रहे थे, मोदी जी की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे। देखो संभव भाई, इन सबको खड़ा करने के पहले तेल लगाने की प्रक्रिया का आरंभ नीतीश बाबू ने किया था। नीतीश के पास तेल ही तो बचा है जो कभी वो भाजपा को लगाते हैं, कभी राजद को, और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लालू जी ने सोचा कि इसको फुला कर पीएम के सपने दिखा दो और तेजस्वी का मामला फिट कर दो। सोनिया से भी कह दिया कि नीतीश बाबू को संयोजक बनाया जाए। तीनों खिलाड़ी इसमें धूर्त ही हैं। लालू का गेम नीतीश समझते हैं, नीतीश का गेम सोनिया समझती है और सोनिया का गेम ये दोनों समझते हैं। सोनिया ने इन लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जैसे गैर चीनी व्यक्ति दूध में गिरी मक्खी को करता है। इसके पीछे मंशा यह थी कि चंद्रयान भी 3 बार लॉन्च हो गया, मेला राहुल कब लॉन्च होगा। अब तो इंडिया टुडे वालों ने फ्रंट कवर पर राहुल के लिए जितने विशेषण थे सब प्रयोग में लाने के बाद कुछ नया सोच नहीं पा रहे। इतनी बार में तो पाकिस्तान वाले मोमबत्ती नीचे लगाकर इस मिसाइल को चांद तक पहुंचा देंगे। पर राहुल है कि 78 चुनाव हारने के उपरांत भी दाढ़ी बढ़ाकर ही जनता को चौंका देते हैं कि ये कैसे कर दिया यार, ये तो तपस्वी हो गया, मोहब्बत की दुकान खोल दी, भारत जोड़ दिया। क्या बात है, एक टैलेंट तो है राहुल गांधी में कि आदमी थेथर हो गया है, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, ये आदमी सुन्न हो चुका है। इसने सुंदरियों को जीत लिया है, सॉरी इंद्रियों को जीत लिया है, बस चुनाव नहीं जीत पाता है। और अजीत एक बात और बताओ कि यार केजरीवाल जी इस महागठबंधन में क्या कर रहे हैं, इनको करप्शन से नफरत नहीं थी? मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, अगर वो लड़ेंगे तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। लेकिन इतनी नफरत के बावजूद ये बार बार इन्हीं करप्ट पार्टी से गठबंधन बनाने की बातें करते रहते हैं। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना मना के थक गए, मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। और फिर इन्हीं करप्ट पार्टी से बेइज्जती भी करवाते हैं। अभी गठबंधन की बात पूरी तरह खत्म हो गई है, अभी भी गुंजाइश है? उन्होंने लगभग मना कर दिया। तो एक टाइम पे तो लगता था कि केजरीवाल जी भगवान परशुराम की तरह ही 21 बार भारत को भ्रष्ट नेताओं से खाली करने को तैयार थे, तो अब क्या हो गया? मुझे तो सबसे अधिक हंसी और दया उन पर आती है जिन्होंने तब केजरीवाल में भी स्कोप देख लिया था और अपनी सैलरी का हिस्सा देने लगे और आज उस मेढक की तरह हो गए हैं जिसे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म किया जा रहा है।
वो गर्मी बर्दाश्त करने लगता है, लेकिन जब उबाल आता है तो ऊर्जा नहीं रहती बाहर कूदने। आज सामान्य आपया इसी उहापोह में है कि यार आज तक तो डिफेंड किया, विरोध करेंगे तो दूसरे लोग जीने नहीं देंगे। तो वो उन दिनों को याद नहीं करते जब केजरीवाल हाथ में 200 पन्नों की A4 शीट लिए हवा में लहरा कर कहता था, यह है कांग्रेस की भ्रष्टाचारों की लिस्ट, यह है शरद पवार के कारनामों की लिस्ट, इसमें लालू के घोटाले बंद हैं। और सामने बैठी जनता कहती थी, यह आदमी सहस्राब्दियों में एक ही बार अवतार लेता है। यह और बात है कि वो 200 पन्ने का बंडल केजरीवाल अमानतुल्लाह की फोटोकॉपी की दुकान से उठा लिया करता था, जिसे बाद में संजय सिंह जो है ब्लैक में 2-5 के हिसाब से बेच लिया करता था। और यार अजीत, ऐसा भी तो नहीं है कि पहली बार इन्होंने इतना बड़ा महागठबंधन बनाया है। 2014 और 2019 में भी इसी तरह से इन्होंने महागठबंधन बनाया था, लेकिन दोनों बार महागठबंधन का वोटर्स ने वही हाल किया जो ऑडियंसेस ने आदिपुरुष का किया। तो देखने से तो ये लगता है कि इनको लगता है कि नाम बदल देंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन देख के लगता है कि ये थोड़ा शाओमी मोबाइल के ऊपर एप्पल का स्टिकर लगा देने से उसको एप्पल फोन बोल के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बार नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है? जहां तक नाम की बात है तो इनको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन का नाम इंडिया कर देने से इनके पाप धुल जाएंगे। इन्हें लगता है कि लोग यूपीए के जीरो लॉस थ्योरी और कोयला घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड आदि का नाम केवल इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि अब ये इंडिया हो गए हैं, और इंडिया पर घोटाले का आरोप कैसे कोई लगा पाएगा। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि किसी बुद्धिमान नेता को यह विचार क्यों नहीं आया कि राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया जाए। जब गठबंधन का नाम पुराने पाप मिटा सकता है और इनका पूरा गैंग 2 दिन तक यह हल्ला करता रहा कि इंडिया पसंद नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या उसी तर्क से भाजपा वाले कभी यह लिख पाएंगे कि इंडिया के नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इंडिया गठबंधन तो घर बैठा रहेगा और उनकी कैंपेनिंग भाजपा वाले करते रहेंगे। आप सोचिए, मोदी और भाजपा जैसे मास्टर स्ट्रोक वालों को राहुल गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक लगेगा तो उनकी स्थिति क्या होगी। वैसे 2 मीटिंग में जब 2 नाम आए तो संभव है कि तीसरी में राहुल गांधी का नामकरण संस्कार हो ही जाएगा, समस्या भी नहीं है। गांधी टाइटल तो नकली है ही, पहला नाम भी बदल जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। यार कसम से, आप मेहनत देखिए इन लोगों की। फुल टाइम पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ ये करप्शन की पैसिव इनकम का साइड हसल भी चला रहे हैं। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप पैसिव इनकम बिना फालतू के हसल और बिना गलत काम किए भी कमा सकते हैं। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन आज के वीडियो का स्पॉन्सर हनी गेन यही प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। अब हनी गेन आपको इन पॉलिटिशियंस के लेवल का पैसा नहीं देगा, लेकिन ये इमेजिन कीजिए कि आपको कभी भी नेटफ्लिक्स के लिए या हॉटस्टार के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। जो स्पॉटिफाई की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप कई महीनों से लेने की सोच रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं, और ये सब बिना कुछ किए। हनी गेन का ऐप आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, ये आपका पर्सनल डेटा नहीं गैदर करता, ये सिर्फ पब्लिक डेटा गैदर करता है, जैसे अलग अलग जगहों पर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग रीजन्स में इंटरनेट पर क्या बेस्ट डील्स मिल रही हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और उसके ऊपर से कहां पर फेक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उसको भी रिपोर्ट करता है। हनी गेन को मेजर एंटीवायरस प्रोग्राम्स जैसे कि अवास्ट, मैकेफी ट्रस्ट भी करते हैं। तो इंतजार कैसा यार, नेटफ्लिक्स के पेमेंट की चिंता भूल जाइए। आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हनी गेन के ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें यूजिंग माय कोड शाम, अगेन इट्स शाम SHAM, और डाउनलोड करते ही इमीडिएटली $5 या ₹400 का गिफ्ट फ्री पाए। और एक और सवाल है अजीत के, यार ये नाम INDIA ही क्यों चुना है? इस नाम में इंडियन, नेशनल, डेवलपमेंटल और इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंडियन इतना अधिक है कि पाकिस्तानी और चीनियों से सीधे संबंध इनके सार्वजनिक। हर पाकिस्तानी आतंकी को बचाने के लिए इनके लोग उद्यत रहते हैं। चीन से तो इन्होंने न केवल MOU साइन किया है, बल्कि डोकलाम के समय राहुल गांधी चीनी राजनयिकों से मिल रहे थे। इसके बाद आता है शब्द नेशनल। नेशनलिज्म तो इनमें कूट कूट कर भरा गया, जो कि कन्हैया कुमार के भारत तेरे टुकड़े होंगे के बाद आज तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाने से साबित होता है। आज भी चिकन नेक काटने वाले शर्जील इमाम और दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के आर्किटेक्ट उमर खालिद के लिए इनकी चित्कार जो है सुनाई देती रहती है। डेवलपमेंटल को लेकर तो बस यही कहूंगा कि इन्होंने डिजिटल इंडिया का उपहास किया था। 60 वर्षों में भारत में पेयजल, विद्युतीकरण, हाईवे आदि की नगण्य उपलब्धता ने राष्ट्र को गर्त में ढकेल रखा था। डेवलपमेंट यदि किसी का हुआ है तो वो इस पार्टी का और इनके नेताओं का हुआ है जिनके सर पर लाखों करोड़ों के घोटाले हैं। अगला शब्द है इंक्लूसिव, और देश के लगभग हर बड़े दंगे के पीछे रहने वाली पार्टी
कितनी इंक्लूसिव है वह हाल ही में कर्नाटक में कन्वर्जन गौमांस आदि पर इनके बयानों से साबित हो जाता है। बाकी की इंक्लूसिवनेस के लिए ममता बनर्जी के बंगाल से दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम से लेकर रामनवमी तक जो भी समाचार आते हैं वो देख सकते हैं। बाकी बच गया अलायंस, तो नवंबर आते आते इस कई बापों वाली संतति के असली बाप का नाम आने तक आपको समझ में आ जाएगा कि बचा क्या है। तो तुमको क्या लगता है कि इस नाम चेंज से इस नए महागठबंधन को कितना फायदा होने वाला है? ये सब करके इन्हें लगता है कि ये चुनाव जीत जाएंगे और भारत की जनता इनके सारे पाप भूलकर इंडिया नाम रखने के लिए इन्हें 10% एक्स्ट्रा वोट शेयर दे देगी। पहले तो जिन स्पेशल 26 को साथ जुटाया है उनके ही वोट ले लो। केजरीवाल इस शर्त पर पहुंचा कि कांग्रेस उसे मोदी के खिलाफ दिल्ली के सेवाओं वाले अध्यादेश को कानून बनने से रोकने में वोट देकर सहयोग करे। ममता ने कहा है कि कांग्रेस बंगाल में चुनाव ना लड़े। नीतीश और लालू अपनी उपेक्षा देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं रुके। पंजाब और दिल्ली की कांग्रेस अपने हाईकमान के केजरीवाल के साथ होने के निर्णय पर अभी भी विरोध जता रही है। ऐसे में बचता कौन है? उद्धव ठाकरे और उसका बेटा जो आज सोनिया गांधी की चरण वंदना करता दिखता है, या शरद पवार जो बुढ़ापे में अपनी बनाई पार्टी गंवाकर यह तय कर नहीं पा रहे कि उसे कोई मनाने आएगा तो हो जाएगा। ऐसे में तो इन्हें लिंगलहरी कन्हैया कुमार को बुलाकर एक आयोजन करवाना चाहिए जहां यह नारेबाजी हो, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात तो सही है, लेकिन हिस्ट्री भी हमें ये दिखाती है कि कभी कभी एक महागठबंधन एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, जैसे कि जनता दल वाली गठबंधन ने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गिराया था। आज की ऑपोजिशन भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन के सामने एक बड़ा पंगा ये है कि 2019 में बीजेपी ने 222 सीटों को 50% वोट शेयर से ज्यादा से जीता था। एक और चैलेंज ये है कि बीजेपी का एटलीस्ट ऑडियंस के लिए एक क्लियर विजन है कि हम हिंदुत्व और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मिलाकर देश को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए का एक क्लियर लीडरशिप फिगर भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी में, तो उसी की तरह क्या ऑपोजिशन भी एक क्लियर लीडर और एक क्लियर विजन वोटर्स को दे पाएगी? इनिशियल मीटिंग्स में उन्होंने कहा है कि वो हेट्रेड से लड़ना चाहते हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा को रोकना चाहते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, दलित और आदिवासीज को रोकना चाहते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज की मदद करना चाहते हैं और कास्ट सेंसस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यार इसमें पॉलिसी मेजर्स क्या है? ये तो वही बात हुई कि अगर आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लड़की से पूछे कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है तो वो बोलेगी लिव लाफ लव। क्या लगता है आपको कि ये बोल के आप बहुत इंटेलेक्चुअल लगती हैं? क्या सेंस बनता है इसका यार? फॉर एग्जांपल अलायंस का नाम इंडिया रख के वो बीजेपी के साथ लगता है नेशनलिज्म की लड़ाई करना चाहते हैं, जो एक तरह से बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक तरफ आप नेशनलिज्म में बीजेपी को हराना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। Decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress Party would certainly have to have a relook on this issue. आप ट्रिपल तलाक के बैन को अपोज करते हैं? The Congress Party will certainly oppose the triple talaq bill today. आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करते हैं? कॉमन सिविल कोड देश की एकता और देश में समरसता लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा। अब पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स को झूठा बोलते हैं? जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर्स को अपने पार्टी में डालते हैं। ऐसी चीजों को सपोर्ट करके ऑडियंस से नेशनलिज्म पे वोट्स एक्सपेक्ट करना तो पाकिस्तान से चंद्रयान मिशन को एक्सपेक्ट करने के बराबर हो गया। और बड़े चैलेंजेस इस महागठबंधन के सामने ये हैं कि वो बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले एक दूसरे से तो लड़ना बंद करें। सबसे पहले तो ये लोग अपने महागठबंधन के नाम पे ही एग्री नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, इस महागठबंधन में ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जो एक दूसरे से जानी नफरत करती हैं। गठबंधन बनाने के एक दिन के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर बंगाल के पंचायत इलेक्शंस में हिंसा करने के लिए अटैक करने लगी। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, वो बंगाल की हकीकत है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने तो ये भी कहा है कि नेशनल इलेक्शंस में वो बंगाल की सारी सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। पंजाब की कांग्रेस यूनिट ने भी नेशनल कांग्रेस पार्टी की केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में गठबंधन करने के लिए निंदा की है। इनफैक्ट बंगाल के कांग्रेस प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी ने अलायंस बनने के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस की भी निंदा की है। और फनी बात यह है कि इस अलायंस का जो नाम है INDIA, ये नाम किसने रखा है इस पे भी लड़ाई चल रही है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद ममता दीदी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। शी स्पोक दैट वी हैव टू
नेम अवर अलायंस एस INDIA. और फिर राहुल गांधी जी को सारा क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है. Yes, the idea came from Rahul Gandhi. भैया ऑपोजिशन के अलायंस के नाम के क्रेडिट के लिए इतनी लड़ाई हो रही है. हम फर्स्ट. अगर इन्होंने गवर्नमेंट बना ली पॉलिसी डिसीजंस पे तो 5 साल तक लड़ाई ही करते रहेंगे. और अगर यहाँ पर ही लड़ाई शुरू हो गई है तो मेन लड़ाई तो अभी बची है और वो लड़ाई है सीट शेयरिंग की. वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते. सही बात है यार, दो ही स्टेट में बचे हैं गिन के, उसमें से बंगाल में भी साफ हो जाएंगे तो महागठबंधन में इनके पास बचेगा क्या तंबूरा. केरला में भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, कौन छोड़ेगा सीटें. पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर कौन छोड़ेगा सीटें. क्या यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ने को तैयार है. क्या बिहार में कांग्रेस RJD और JDU के लिए सीटें छोड़ने को तैयार है. क्या कांग्रेस इस बात से संतुष्ट रहेगी कि अगर उन्होंने मेजोरिटी स्टेट्स में सीटें गिव अप कर दी तो वो राहुल गांधी जी को 65वीं बार लॉन्च नहीं कर पाएंगे. ये भी याद रखिए कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय में एंट्री मारी थी और कांग्रेस के सारे MLAs को पोच कर लिया था, वहाँ पर सीट शेयरिंग कैसे होगी. तो अगर ये सीट शेयरिंग डिसाइड नहीं कर पाए तो ये गठबंधन तो जैकी भगनानी के करियर की तरह ही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. और अगर ये डिसाइड हो गया तो फिर अगली लड़ाई फिर ये आती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन बनेगा. आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. तो देखिए फाइनली इंडिया को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है, इससे जनरल डेमोक्रेसी की हेल्थ इंप्रूव होती है. बीजेपी को भी लगेगा कि भाई हमारे पास एक कड़ाके की टक्कर मौजूद है सामने, तो इसलिए हमको भी अपने वोटर्स को खुश रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए और बड़े बड़े पॉलिसी प्रोमिसेस को पास करना चाहिए. लेकिन अभी तक देखते हुए तो ये लगता है कि ये जो अलायंस है INDIA, इनके पास अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. देश के लिए भी एक ये प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह की एक अलायंस पावर में आती है तो क्या ही पॉलिसी डिसीजंस ये लोग पास करेंगे यार, कैसे किसी भी प्रोग्राम को ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे. हर स्टेट में तो अलग अलग पार्टीज एक दूसरे से लड़ाई करती रहेंगी और हम वापस देश को एक ऐसे कोलिशन सिस्टम में ले जाएंगे जहां पर कोई भी काम ठीक से हो नहीं पाएगा. हर प्रोग्राम को पास करने में 10-10 साल लग जाएंगे. क्या जनता पिछले 10 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को छोड़कर एक अनस्टेबल कोलिशन सिस्टम में वापस जाने को तैयार है. क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स, आतंकवादी अटैक्स के खिलाफ एक कमजोर रिस्पांस और एंटी हिंदू कानूनों की वापसी होगी. और मैं और अजीत आपसे जानना चाहते हैं कि इस अलायंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके हिसाब से कौन बनेगा इस अलायंस का प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. और मैं अपनी तरफ से अजीत का आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस शो पर मुझे ज्वाइन करने के लिए और इस अलायंस के बारे में हमारे कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए. बाकी अगर आप इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज के साथ क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हमारा वीडियो जरूर चेकआउट करें. और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक शकल प्रणाम. जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था INDIA वर्सेस भारत बीजेपी मोदी जी. देखें ये सब पार्टियां भारत की ही हैं और भारत का अब इंतहाबी मैदान अमल में आ रहा है. तो देखें अगर एक को कारकर्दगी से हराया नहीं जाता तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसको गिराने के लिए. पाकिस्तान की भी मिसाल आप ले सकते हैं, इमरान खान को वो हरा नहीं पाए थे, कारकर्दगी पे नहीं पॉपुलैरिटी पे हरा नहीं पाए गए, इसलिए फिर सारे के सारे इकट्ठे हो गए उसको हराने के लिए. फिर भी उसको हरा नहीं पाए तो फिर एक बड़ी ताकत को अपने साथ मिलाया और फिर उसको गिराया और अभी भी उसको गिराने में लगे हुए हैं. लेकिन आने वाले दिनों में हमारे यहाँ तो पहले इलेक्शन है 2024, तो बाद में ये पता लग जाएगा कि कौन जीता है कौन हारता है अगर इमरान खान स्टैंड करता है इस इलेक्शन में. लेकिन वहाँ पे सब अगर ऑपोजिशन मिलके इकट्ठा हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वो बीजेपी को नहीं हरा पा रहे कारकर्दगी की बुनियाद पे. और ये कारकर्दगी क्या है, कारकर्दगी जिस तेज़ी से देश को आगे बढ़ता हुआ देख रही है सारी दुनिया, अगर इसके मुकाबले में उनके पास भी कोई मंशूर होता, कोई मोटो होता, कोई लक्ष्य होता तो फिर वो रखते अपनी आवाम के सामने, लेकिन ऐसा नहीं है. उन सबको मिलना पड़ रहा है एक को गिराने के लिए. और वो एक कौन है, वो मोदी जी हैं और वो बीजेपी है और बीजेपी इस टाइम पॉपुलर है. अगर उनकी पॉपुलैरिटी का मुकाबला है तो वो अपोजिशन की सब पार्टी मिलकर भी नहीं कर सकती. लेकिन अब इनको मिलकर कुछ करना पड़े तो देखें, हो सकता है कि गेम प्लान हो, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि इनमें इतनी ताकत नहीं सब अगर मिलकर भी हैं तो अगर बीजेपी को गिरा पाए. वो पहले जो पार्टियां थी ना, यानी कि पहले बीजेपी से पहले जो कांग्रेस थी या दूसरी पार्टियां थी जो यानी कि इकतदार में थी, उन्होंने भी काम किया लेकिन इतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से बीजेपी ने काम किया. बिल्कुल
उनका काम नजर आता है, और लेकिन चीज ये है ना कि इलेक्शन में पता चलेगा ना कि कौन सी पार्टी आ गया। नेशनल लेवल की जो पार्टी थी वो एक कांग्रेस ही थी, बिल्कुल हाँ। उसके बाद अगर कोई नेशनल लेवल पे इंडिया में पार्टी आई है तो वो बीजेपी आई है, और इस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बीजेपी की नहीं है। अगर सिर्फ योगी जी के अलावा आप देखेंगे कोई आपको कोई मोस्ट जो ना पॉपुलर लीडर उनका नजर नहीं आता आपको किसी भी स्टेट में, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है ना वो इलेक्शन हार भी चुके हैं। हाँ, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो सारे स्टेट्स के मिनिस्टर जो हैं वो मिलके जो है ना अब जो है वो उनका मुकाबला करना चाहते हैं। तो अगर वो अपनी जिस तरीके से आप देखें दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने जो है ना परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, तो अगर इस तरह से बाकी भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर अवाम ने सिलेक्ट करना है उनको। अब चीज ये है कि पहले वो एक दूसरे को गलत कहते रहे थे कि नेशनल लेवल के ऊपर, तो अब वो नेशनल लेवल पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए कि पहले हम जिन चीजों को बुरा कह रहे थे अब वो खत्म हो गई, अब वो खत्म हो गई है कि या फिर हम बुरे हो गए हैं, क्या ऐसी चीज हो गई है कि वो पहले तो वो या तो वो पहले चीज ठीक थी हम बुरा कह रहे थे, या तो फिर अब वो ठीक हो गई है हम बुरे हो गए हैं। कुछ ना कुछ तो इसमें देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। देखिए इस वक्त नेशनल लेवल पे अगर इंडिया की कोई पार्टी है परफॉर्मेंस अगर दिखाई जा रही है, अगर कोई लीडर है तो मोदी जी की पार्टी जी, बिल्कुल। और केजरीवाल साहब की जो प्रोग्रेस है, जो कारकर्दगी है, वो सेम लाइक इमरान खान ही है, जो कि नजर तो आती है और नजर नहीं भी आती। लेकिन बाकी अगर देखी जाए तो कांग्रेस के टाइम पे भी काम ज़रूर हुए थे, लेकिन कांग्रेस में कई सारी ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से देश का माहौल बिगाड़ का शिकार रहा और करप्शन अरूज पर थी। लेकिन इन सब चीज़ों पे माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थी कांग्रेस, और ये सारी चीज़ों पर बीजेपी ने कंट्रोल किया है। अब जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं बीजेपी को, और यही एक वजह है कि बीजेपी भी इस टाइम पे स्ट्रांग है। मुस्लिम वोट ना भी मिलता तो फिर भी जो डिवाइडेड मेजोरिटी है हिंदू पॉपुलेशन की वो अब सपोर्ट करती है मोदी जी को, और मोदी जी के साथ मोदी की पार्टी को भी सपोर्ट मिलती है। यही वजह है को एक आध स्टेट में हो सकता है, लेकिन अभी भी अगर पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी पॉपुलैरिटी उसी की होगी ना जो अवाम के लिए काम कर रहे हैं, जो अवाम की जो बिल्कुल काम करते हैं, अवाम को अच्छा रोजगार मुहैया कर रहे हैं, या जो अवाम चाहती है उनकी मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो अवाम भी उन्हीं को सिलेक्ट करेगी। एंड में सिलेक्ट अवाम नहीं करना है, चाहे जिसको भी करेगी, और जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है अवाम उसे ही सिलेक्ट करेगी। और यही बात अगर दूसरे नेताओं को अपने जेहन में रख के करते, मोदी जी क्यों प्राइम मिनिस्टर बने, वजह से उनकी परफॉर्मेंस, और वो कहाँ पे थी जब वो सीएम थे, तब उनकी परफॉर्मेंस लेवल की थी कि उनको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर चुना। आप भी अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाइए, लोगों पर एतमाद जीतिए, और आप भी आ जाइए। बिल्कुल कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके पीछे वजह परफॉर्मेंस ही है। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस भी ना दिखाएं लेकिन धड़ल्ले से कहें सियासी और सियासत जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में चलती है अभी भी हाल में देख लें कि 0% परफॉर्मेंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से धड़ाधड़ महंगाई किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना फख्र से चौड़ा है। हम पाकिस्तानियों को कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता, और लेकिन रोक भी खुद ही रहे। यही अगर पाकिस्तानियों को तरक्की नहीं करने देंगे। चलिए जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।